इस वीडियो में हम लोग 1 लाख रुपए देके 10 स्टॉक का एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाएंगे, जहां पे इंडिया का फ्रंट लाइन लार्ज कैप वाला डिविडेंड पेइंग सॉलिड कंपनीज को रखेंगे, जो लॉन्ग टर्म में हम लोगों को अच्छा मुनाफा निकाल के देगा। पहले हम लोग 2 स्टॉक चुनेंगे आईटी सेक्टर से। पहला स्टॉक रहेगा विप्रो, बेहतरीन कंपनी है, 600 रुपए का ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये सभी स्टॉक में ओवरऑल आईटी सेक्टर में आप अगर बहुत आशा करके आए हैं तो आप गलती कर रहे हैं। देखिए, हर एक सेक्टर में कभी कभी कंसोलिडेशन पीरियड रहता है, जैसे कि विप्रो में भी देखेंगे 2016 से लेके 2020 तक उन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई रिटर्न नहीं दिया, हालांकि पॉजिटिव ही था, रिटर्न दिया था लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं, लेकिन 2020 से अभी तक बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, ग्राफ में आप देख सकते हैं। तो ये जो 2016 से लेके 2020 तक 4 साल जिन लोगों ने वेट किया, जिन लोगों ने अच्छा बिजनेस को पकड़ के रखा, वो लोग ही आज मुनाफे में बैठे हैं। या फिर अगर पनिक में आके अगर कोई लोग छोड़ देता वो 4 साल में के स्टॉक तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आज अफसोस में है। सेकेंड स्टॉक आईटी सेक्टर में इंफोसिस, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट वाला कंपनी है, बहुत ही अच्छा कॉरपोरेट गवर्नेंस होने के साथ साथ इन लोगों का बिजनेस मॉडल भी अभी इंटैक्ट है, अभी भी ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। इंडियन गवर्नमेंट के साथ रिसेंटली जो टैक्स का वेबसाइट आप आते हैं, जहां पे हम लोग टैक्स का रिटर्न भरते हैं, उसका भी इन लोगों के साथ करार हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए। तो ये लोग हमेशा नया कुछ इनोवेशन के टाइप में जाते हैं, कंपनी का बिजनेस ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, तो इस कंपनी को अपना पोर्टफोलियो में जरूर रखने के लिए सोचिए। लेकिन एक बात है, आप देख सकते हैं सेम चीज 2016 से लेके 2020 तक एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद ये ग्रोथ आया है, तो आगे आने वालों कुछ महीनों भी इसमें कंसोलिडेशन फिर से हो सकता है और उसके बाद फिर से ये अप मूव जारी कर सकता है। तो ये सब स्टॉक मार्केट में देखिए ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अच्छा अगर बिजनेस है तो आप लोगों को कंसिडर करना है। अब आ जाते हैं 2 बेहतरीन कंपनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के तरफ से। उसमें पहला जो वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स। 10 साल पहले भी अगर आप घर को पेंट करना चाहेंगे तो आप एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इस सभी के बारे में सोचेंगे। आज भी अगर पेंट करने जाएंगे तो एशियन पेंट्स इसके बारे में ही सोचेंगे, और 10 साल बाद भी अगर आप पेंट करने जाएंगे तो विजिबिलिटी तो यही बोलता है कि फिर से हम लोग एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ये सभी को ही सिलेक्ट करेंगे। एशियन पेंट्स हमारा जो पेंट इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा चंक, लगभग 40% के आसपास मार्केट कैप है इन लोगों का। सेकेंड है बार्जर पेंट्स, जिसका मार्केट कैप इससे कई गुना कम है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एशियन पेंट्स नो डाउट नंबर 1 पेंट कंपनी है इंडिया का। ये सिर्फ आपका डोमेस्टिक यानी घर में रंग जो करते हैं हम उसमें ही इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये लोग जो इंडस्ट्रियल पेंट है, जैसे कि आपका कार ऑटो सेक्टर में जो पेंट होता है, इंडस्ट्रियल जो पेंट होता है, उसमें भी एशियन पेंट्स अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन की। सेकेंड स्टॉक कंजम्पशन थीम के परी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए, आपका घर में आसपास अगर देखेंगे तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट पाएंगे ही पाएंगे। आप ग्रोसरी से लेके शुरू करके जो भी आप साबुन वगैरह यूज करते हैं, शैंपू वगैरह यूज करते हैं, कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट हम लोग सभी लोग यूज करते हैं। तो ये जो आज जो यूज करते हैं 10 साल बाद भी यूज करेंगे ही करेंगे। तो इस लोगों का बिजनेस विजिबिलिटी अच्छा है, अच्छा मैनेजमेंट वाला कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, तो इसका मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है, बिजनेस का जो सीएजीआर ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है, वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी बार बार कर रहा है साल दर साल, तो उस हिसाब से इस स्टॉक को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद फार्मा सेक्टर में आते हैं। फार्मा सेक्टर में जो पसंदीदा 2 स्टॉक के साथ आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, एक है सिप्ला। सिप्ला में आप देखेंगे कि जो ये कोविड सिचुएशन आया था इसके बाद इन लोगों का जो स्टॉक प्राइस है उसमें बहुत जंप देखने को मिला,
प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये कोविड जो है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और सिप्ला का मेन जो बिजनेस डोमिनेंस है वो रेस्पिरेटरी यानी एस्थमा का दवाई बोलिए या रेस्पिरेटरी रिलेटेड दवाई बोलिए, इसमें सिप्ला का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। दवाई बोलिए या फिर आपका जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स होता है रेस्पिरेटरी रिलेटेड, इसमें सिप्ला का बहुत सारा योगदान है, बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो इसीलिए सिप्ला का प्रॉफिटेबिलिटी भी पोस्ट कोविड बहुत अच्छा हुआ है, जिसका इफेक्ट उसका स्टॉक प्राइस में भी देखा गया है। तो सिप्ला को आप जरूर कंसीडर कर सकते। सेकेंड जो स्टॉक फार्मा सेक्टर में मुझे पसंद है वो है सन फार्मा। देखिए सन फार्मा पिछले जो बुल रन हुआ था, जो 2015 तक बुल रन चला फार्मा सेक्टर में, उसमें प्रधान जो मुख्य आप कारीगर बोल सकते हैं वो है सन फार्मा। वो सन फार्मा पिछले बुल रन में नंबर वन स्टॉक हुआ करता था, उसके बाद पूरा सेक्टर ही नीचे आ गया और उसके बाद कंसोलिडेशन फेज हुआ। अब फिर से पोस्ट कोविड अच्छा परफॉर्म दिखा रहा है कुछ कुछ कंपनी, उसमें सन फार्मा वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर है। इसको आप लोग देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। 6 स्टॉक यानी लगभग 60% हमारा पोर्टफोलियो कवर हुआ है। वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब आ जाते हैं कि नेक्स्ट कौन सा सेक्टर और कौन सा स्टॉक पसंद है। इसमें थोड़ा सा हम मॉडर्न टाइप का स्टॉक में जाएंगे, यानी न्यू बिजनेसेस के बारे में दो स्टॉक आप लोगों के लिए लाया हूं। हाँ, थोड़ा सा मतलब ये न्यू टाइप का स्टॉक है, बाजार में नए हैं ये स्टॉक, लेकिन अच्छा पोटेंशियल है इस कंपनी को आगे जाके। पहला स्टॉक है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम। आप जानते हैं पूरा इंडिया में दो ही सिर्फ डिपॉजिटरी सिस्टम है, एक है NSDL नेशनल डिपॉजिटरी और दूसरा है CDSL। CDSL बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के तहत आता है, BSE और NSDL NSE का तरफ से आता है। ये दोनों ही कंपनी क्या करता है, जो आप स्टॉक्स वगैरह खरीदते हैं, और आजकल के दिन में तो बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स भी जब आप खरीदते हैं ब्रोकर के थ्रू, तो वो आपका डीमैट अकाउंट में जमा होता है। ये डीमैट अकाउंट को मेंटेन किया जाता है CDSL और NSDL द्वारा। NSDL फिलहाल लिस्टेड नहीं है, तो लिस्टेड स्पेस में सबसे बड़ा और सबसे मोनोपोली बिजनेस आप बोल सकते हैं CDSL का है। रिसेंटली CDSL ने एक माइलस्टोन पूरा किया है, 4 करोड़ डीमैट अकाउंट उन्होंने ओपन किया है पूरा इंडिया में। हाँ, हालांकि लास्ट जो एक साल हुआ जहां पे पोस्ट कोविड आपका लॉकडाउन भी हुआ था, उसमें डीमैट अकाउंट का जो ग्रोथ है इंडिया में ज्यादा हुआ, क्योंकि लोग घर में बैठे थे तो शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड इसमें निवेश उन लोगों का ज्यादा बढ़ गया था। तो इसीलिए CDSL का आप दाम भी देख सकते हैं मेरे चैनल में। आज नहीं, आपको 8-9 महीने पहले से ही ये स्टॉक कवर हुआ करता था जब ये 400-500 रुपए का आसपास था, और अब इसका प्राइस 1500 रुपए भी छू के आया है, अभी तो 1300 रुपए के आसपास चल रहा है। तो ऑलरेडी 3 गुना बढ़ गया है ये स्टॉक जहां पे हम लोगों ने कवर करना चालू किया था मेरे चैनल में। अभी भी इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है। हाँ, स्टॉक प्राइस इतना भाग चुका है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है। देखिए 3 गुना यानी 300% बढ़ गया है, उसके बाद अगर 20-30% करेक्शन आना स्वाभाविक है, ये नेचुरल बात है। लेकिन इसका जो बिजनेस मॉडल है, आप सोचिए अगर 20 साल बाद 10 साल बाद के सोचिएंगे, तो धीरे धीरे लोगों का मन में जो शेयर मार्केट में निवेश म्यूचुअल फंड में निवेश ये बढ़ता ही जा रहा है। पहले जितने लोग शेयर मार्केट में थे, आज के दिन में उससे ज्यादा लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो जितना ज्यादा लोग आएगा उतना ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होगा, उतना ज्यादा ये CDSL NSDL का बिजनेस ग्रो करेगा। तो लाइट एसेट मॉडल है, बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है, तो इसीलिए ये स्टॉक में आप लोग थोड़ा थोड़ा करके गिरावट में निवेश का सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक एकदम मोनोपोली बिजनेस है, जो मैं पहले भी मेरे चैनल में कवर किया था, वो है IRCTC। IRCTC का जो बिजनेस मॉडल है पूरा ही मोनोपोली है। जो आप रेलवे का टिकट खरीदते हैं या फिर रेल नीर जो ट्रैवल के टाइम आप लोग पानी खरीदते हैं रेलवे स्टेशन से, उसमें पूरा IRCTC का ही ये सब कंपनी है। रेस्टोरेंट वगैरह बोल लीजिए जो प्लेटफॉर्म में आप देखते हैं, IRCTC का भी उसमें मोनोपोली है।
टिकट जो प्लेटफॉर्म है, टिकट जो आप खरीदते हैं वेबसाइट से ट्रेन का, उसमें पूरा मोनोपोली आपका IRCTC का है। तो बिजनेस मॉडल एकदम अच्छा है। इस मंथ ही इसका स्प्लिट वगैरह होने वाला है, मतलब एक स्टॉक के बदले में आपको 5 शेयर्स मिलने वाला है। अभी फेस वैल्यू 10 है, उसको 2 रुपए में किया जाएगा, यानी 1:5 जो स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। तो स्प्लिट के बाद भी आप खरीद सकते हैं, फिलहाल तो 3,800-3,900 रुपए के आसपास है। स्प्लिट हो जाएगा तो दाम इसका कम हो जाएगा, तो उसके बाद आप खरीदने के लिए सोच सकते हैं। ये सभी स्टॉक को देखिए धीरे धीरे एक्युमुलेट करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन जाएंगे और पूरा खरीद लेंगे, ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके मंथली SIP, क्वार्टरली SIP, जब जब दाम गिरता है तब आप लोगों को निवेश करना है। नेक्स्ट जो 2 स्टॉक में डिस्कस करने वाला हूं, ये थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आज से कुछ सालों बाद देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा ही आएगा, मार्केट में डोमिनेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल का रहेगा ही रहेगा। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो फर्स्ट मूवर जिन लोगों को एडवांटेज मिलने वाला है, वो सब ऑटो स्टॉक को आप लोगों को खरीदना है। उसमें टाटा मोटर्स एक यूनिक जगह में है, क्योंकि इन लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो टाटा पावर प्रदान कर सकता है। तो ओवरऑल एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों का ऑलरेडी है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं टाटा मोटर्स आज के दिन में 300 रुपए के आसपास है। ये फ्यूचर का अच्छा बिजनेस ग्रोथ को देख के आज यहां पे बेट लिया जा सकता है। आगे बिजनेस अगर उतना खास नहीं लगेगा तो हम लोग निकल जाने के लिए सोचेंगे जरूर, लेकिन आज के दिन में अगर आप लोग पूरा EV सेक्टर को देखेंगे तो टाटा मोटर्स को जो है वो एक एडवांटेज है, क्योंकि उन लोगों का पावर स्टेशन बोलिए, उसका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा पावर द्वारा ऑलरेडी हो रहा है, तो उसमें एक फास्ट मूवर उसको एडवांटेज मिलने वाला है। तो टाटा मोटर्स को आप लोग जरूर कंसिडर कर सकते हैं। मेरा आखिरी और लास्ट स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर। ये एक फुटवेयर कंपनी है, थोड़ा सा अलग बिजनेस है, आप लोग चौंक जाएंगे थोड़ा सा फुटवेयर में क्यों। इंडिया का जो कंजम्पशन स्टोरी है ना, उसमें आपका रिलैक्सो फुटवेयर, बाटा, आप नया बिजनेस जो है खादिम, लिबर्टी शू, ये सब आपको बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे जाके लोग ब्रांडेड चीजों के प्रति जागरूकता ज्यादा बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोग ब्रांडेड चीज ज्यादा खरीद रहे हैं। देखिए इसीलिए आज दिन में 3-4 जो मैं फुटवेयर कंपनी बोला हूं, इसमें से कोई भी एक स्टॉक को आप पकड़ सकते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि चारों ही कंपनी अच्छा। अब आ जाते हैं कि इसमें निवेश कैसे करेंगे। तो देखिए आप तो पहले जो आपका पहला मनी है, मान लीजिए यहां पे 1 लाख का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको 1 लाख रुपए लेके ही चालू करना है, 1 लाख रुपए 10 स्टॉक है, तो आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड 10,000 करके डिवाइड कर सकते हैं 10 स्टॉक में। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए कि कल ही जाके पूरा मार्केट से 1 लाख रुपए लगा दीजिए और स्टॉक्स खरीद लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आप पूरा जो स्टॉक है उसका एक मतलब पोर्टफोलियो जैसा बनाइए, उसमें एक एक स्टॉक करके आप जमा कीजिए, मतलब मंथली एक एक स्टॉक हर एक का खरीदेंगे तो आप 10 स्टॉक 10 कंपनी का खरीदेंगे। तो ऐसा आप प्लान कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन में जाके ही पूरा पैसा लगा देना है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ऐसा करके आप मंथली टुकड़ों में इसको खरीदिए, जब जब मार्केट में जिस स्टॉक में गिरावट देखने को मिले उसमें आप निवेश कीजिए। लेकिन आप कंपनी का बिजनेस मॉडल में अगर बिलीव करते हैं तो इसके साथ बने रहिए, क्योंकि आगे आने वालों दिनों में ये जो कंपनीज है का बिजनेस ग्रोथ होने वाला है। तो उसमें क्या होगा, उसमें स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा क्या, आप खरीदेंगे और कल से ही ये बढ़ने लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं एग्जांपल देके समझाया हूं, IT सेक्टर में भी 4 साल कुछ नहीं किया, फार्मा सेक्टर में भी 2015 से लेके 2020 तक 5 साल तक नेगेटिव रिटर्न मिला है फार्मा सेक्टर में। तो IT सेक्टर 4 साल में खराब दिया तो 4 साल में बिजनेस मॉडल नष्ट हो गया क्या, फार्मा सेक्टर 4 साल में नेगेटिव दिया तो मतलब फार्मा नहीं चलेगा क्या, ऐसा नहीं है। बाजार में हर एक सेक्टर, हर एक कंपनी, हर एक स्टॉक्स का नेगेटिव फेज आता है, लेकिन आपको देखना है वो नेगेटिव जब शेयर प्राइस चल रहा है उसमें कंपनी का बिजनेस ठीक चल रहा है कि नहीं। जब तक कंपनी का बिजनेस ठीक है उसके लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बिजनेस मॉडल अगर बिगड़ जाए तो आपको चिंता करने का जरूरत है। लेकिन ये बिजनेस मॉडल के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरी है, जहां पे कंपनी का आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये सब जानना पड़ेगा, जो लोगों को डर लगता है। लेकिन मैंने आसान शब्दों में 5 पॉइंट यूज करके आप लोगों को ये समझाया हूं उस वीडियो का, जो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आधारित कैसे आप स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, वो वीडियो आपका स्क्रीन में आ जाएगा, क्लिक करके जरूर देखिएगा फंडामेंटल एनालिसिस।
एनालिसिस का वीडियो। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।